हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं सीतामढ़ी ओहलदारा। तो मेरे साथ आज है दीपज्योति, मेरा फ्रेंड। तो सुबह सुबह हम जर्नी शुरू किए कुछ भीड़ से। अभी हम लोग है सेपोईधरा टी गार्डन पे, मतलब रोंगटोंग का थोड़ा ऊपर। धीरे धीरे ऊपर जब जाएंगे और भी सुंदर सुंदर जगह आप लोगों को दिखाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सीटोंग का तरफ जा रहे हैं। हम सोचे नहीं थे सीटोंग इतना दूर होगा, क्योंकि गूगल मैप में बहुत नजदीक दिखा रहा था, मगर वो असल में फॉल्स है। तो हम लोग सीटोंग के जाने का रूट में एक शिवखोरा बोल के एक जगह है, वहां पर पहुंच के हम सुने हैं जो सीटोंग यहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर तो होगा ही। तो हम लोग सोचे हम जब निकल पड़े हैं तो जाना ही पड़ेगा सीटोंग में। तो सीटोंग मतलब शिवखोरा के बाद सीटोंग का रास्ता पे ऐसा जगह में हम लोग आके रुक गए, क्योंकि ये जगह बहुत सुंदर। एक बार देखिए व्यू। बहुत ही खराब रास्ता पार करके एट लास्ट हम लोगों का जो रिसोर्ट है उसमें पहुंच गए। अभी तकरीबन 3:30 बज रहे और पेट में भी चूहा दौड़ रहा है भूख के मारे। तो लंच कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग साइसिंग के लिए निकल पड़ेंगे। लंच कंप्लीट हो गया। जिस रूम पे हम लोग हैं, निकलने का पहले चलिए इसका बेलकुनी से थोड़ा व्यू आप लोगों को दिखा लेते हैं। एज यू कैन सी बाहर में बहुत सारा फॉग है, जिसका वजह से व्यू उतना क्लियर नहीं आ रहा है। लेफ्ट का जो हिल है वो सीटोंग 1 और सीधा जो हिल दिख रहा है वो है सीटोंग 2 और हम लोग है सीटोंग 3 का शेलपू हिल पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज अगर फॉग नहीं होता तो स्नो कवर्ड कंचनजंगा यहाँ से इजीली विजिबल है। सीटोंग 1 और 2 होके हम सीटोंग 3 में आए हैं। सीटोंग 3 सबसे पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ से ओहलदारा व्यू पॉइंट, लाटपंचा सब नजदीक में पड़ता है और यहाँ का सीनिक ब्यूटी भी सबसे ज्यादा अच्छा है। बेलकोनी का एकदम नीचे आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर टी गार्डन है। तो चलिए ओहलदारा व्यू पॉइंट की तरफ। अभी हम हैं ओहलदारा मोड़ पे, जो 3 रास्ता का जंक्शन पॉइंट है। सीधा जो रास्ता दिख रहा है ये सीटोंग 1-2 सिमरिंग शिवखोरा होके सीधा काशियांग तक जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस रास्ते से हम लोग यहाँ पर आए हैं। और राइट साइड का जो रास्ता दिख रहा है ये शेलपू हिल होके बिरिक तक चला जाता है। और इस रोड पे ही हम लोगों का रिसोर्ट है जहाँ पर हम ठहरे हैं। और ये रास्ता जा रहा है सीधा लटपंचर होके कालीझोरा। और अभी तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं ओहलदारा व्यू पॉइंट पे, और इसके लिए टिकट खरीदना पड़ेगा इस टिकट काउंटर से। टिकट प्राइस है 10 रुपीज पर हेड। होटल का ओनर से पूछे थे यहाँ पर कौन सा जगह में हम घूम सकते हैं। तो होटल ओनर बोला आप एक काम करो, सिंकोना प्लांटेशन है वहां पर चला जाओ। तो अभी हम लोग है सिंकोना प्लांटेशन में। ये ओहलदारा जो व्यू पॉइंट है वो व्यू पॉइंट का अंदर घुसने के बाद सिंकोना प्लांटेशन मिलता है। ये जो पेड़ दिख रहा है ना दूर दूर तक, ये सब सिंकोना ट्री है। इससे पहले रोंगो पे हम सिंकोना ट्री देखे थे, मगर एक साथ इतना सारा सिंकोना ट्री हम पहले कभी नहीं देखे।
और आप लोगों से ज्यादातर लोग तो जानते हैं सिंकोना ट्री से क्या बनता है। सिंकोना ट्री से क्विनिन बनता है, क्विनिन से मलेरिया का दवाई बनता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऑल द व्यू पॉइंट की तरफ। शिटोंग में आएंगे बॉनफायर नहीं करेंगे, ये कैसा बात है। तो जर्नी इनकम्प्लीट रहेगा। ये है अनुज प्रसाद जी सर। हेलो। हम लोग जिस रिसर्ट में है उस ओनर का बेटा है, वो खुद ही हम लोग को बॉनफायर में हेल्प कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा लड़का है। थोड़ा देर बाद हम लोग डिनर करके सो जाएंगे क्योंकि सुबह सुबह उठ के लाठ पंचर जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक लाठ पंचर लेके। तो गाइस ए वेरी वेरी गुड नाइट।